हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए पंजाबी कुर्ती लेकर आए हैं और इसे बनाने के लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक ली है। सबसे पहले हम फैब्रिक को फोल्ड करना बताएंगे। हमें इस फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है। तो इस कपड़े का अर्ज अधिक है तो सबसे पहले मैं इसे अर्ज में फ़ोल्ड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर इस फैब्रिक को अर्ज में फ़ोल्ड किया है, आप देख सकती हैं। और इसके बाद अब हम इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे। तो दोबारा से भी मैं इसे अर्ज में ही फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को फुल लेयर में फ़ोल्ड कर लिया, आप देख सकती हैं। ये खुली साइड है कपड़े की, ये वाली बंद साइड है। सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ बता रही हूँ। हमारी जो कुर्ती रहेगी वो हमारी 36 इंच की तैयार होगी। तो यहाँ पर हम पहला मार्क 36 इंच पर करेंगे। जिस भी साइज़ की आप कुर्ती बनाएँ पहले आप फिक्स मार्क करें। और इसके बाद 3 इंच फैब्रिक हम फोल्ड करने के लिए सिलाई के लिए ऐड कर रहे हैं। और हमने 39 इंच पे दूसरा मार्क किया है। अब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इस फैब्रिक को कट कर लें। तो जो हमारी कुर्ती की ड्राफ्टिंग है वो 1 मीटर फैब्रिक में से हुई है, क्योंकि इस कपड़े का अर्ज अधिक था तो हमने इसे फुल लेयर में अर्ज में ही फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप जिस भी लेंथ की कुर्ती बनाएं 3 इंच फैब्रिक आप अलग से ऐड करें फोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए। इसके बाद अब मैं आपको कुर्ती की ड्राफ्टिंग करना बताऊँगी। वन साइड की तरफ हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ पर हम शोल्डर 7 इंच ले रहे हैं। आपके जो भी शोल्डर हों आप उसका हाफ लें, क्योंकि कपड़ा हमारा एक बार फोल्ड है। तो यहाँ पे हमने 7 इंच पे मार्क किया है। और आर्म होल्स की लेंथ हम 7 इंच ही ले रहे हैं। तो 7 इंच तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद इस लाइन को हमें ऐसे सीधा करना है। और अब हमें चौड़ाई का 1/4 भाग लेना है। जैसे कि चौड़ाई है 38 इंच, 1/4 हुआ 9.5 इंच और 1/2 इंच की लूजिंग। तो यहाँ पे हम 10 इंच पर मार्क करेंगे। आप हर साइज़ में सेम ऐसे ही ड्राफ्टिंग करें। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे मार्क किया है और 1.5 इंच फैब्रिक हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। इसके बाद आर्म हॉल से जो हम मार्क करेंगे वो 8 इंच पर करेंगे कमर की ड्राफ्टिंग के लिए। और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यदि कुर्ती साइज़ कम है तो आर्म होल से आप 7 इंच पर ही कमर की ड्राफ्टिंग करें। तो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है। अब हमें यहाँ पे कमर का 1/4 भाग लेना है। कमर मेजरमेंट है 32 इंच, 1/4 हुआ 8 इंच, 1/2 इंच की लूजिंग। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच भी मार्क करेंगे और 1 इंच हम चुन्नटों के लिए ऐड कर रहे हैं। तो दूसरा मार्क हमने 9.5 इंच पे किया है और 1.5 इंच फैब्रिक हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। कमर की ड्राफ्टिंग में 1 इंच फैब्रिक हमें चुन्नटों के लिए अधिक लेनी है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच फैब्रिक चुन्नटों के लिए ऐड की है। फिक्स मार्क हमारा 8.5 इंच पर है। सेकंड मार्क हमारा 9.5 इंच पर है, क्योंकि 1 इंच फैब्रिक हमने चुन्नटों के लिए ली है और मार्जिन के लिए हमने 1.5 इंच कपड़ा ऐड किया है और लाइन ड्रॉ की है। लाइन सिर्फ हमने मार्जिन वाली मार्क से ड्रॉ की है। अब हम आर्म होल से दूसरा मार्क करेंगे 14 इंच पर। ये हम हिप मेजरमेंट की ड्राफ्टिंग के लिए करते हैं और यहाँ भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। हिप मेजरमेंट है 14 इंच, 1/4 हुआ 10 इंच और 1/2 इंच की लूजिंग। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। और अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। लास्ट की लाइन हमें ड्रॉ करनी है और बॉटम पार्ट भी हम हिप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखते हैं। हिप मेजरमेंट हमने 10.5 इंच लिया था, तो बॉटम पार्ट भी हम 10.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच फैब्रिक हम फोल्ड करने के लिए ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद जो मार्क हमने किए हैं अब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं।
फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जो हमने 1 इंच फैब्रिक अधिक ऐड की है कमर की ड्राफ्टिंग में, इससे जो लुक है कुर्ती की अजीब सी लग रही है, पर जो इसकी शेप कुछ इस तरह से ही आएगी सिलने के बाद। मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाया है, और ये हम 1 इंच की चुनट भरेंगे, तो चुनट की ड्राफ्टिंग करना भी हम आपको बताएंगे। पहले हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो हमारी फिक्स लाइन है। और फ्रेंड्स, एक बात का आप ध्यान रखें, जब भी आप इसे सिलें, जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन पर आपको सिलाई नहीं लगानी है। ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए ड्रॉ की है, क्योंकि 1 इंच हम चुन्नटों की ड्राफ्टिंग करेंगे। इसलिए अब हम आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। आर्म होल्स की लेंथ है 7 इंच, सेंटर हुआ 3.5 इंच, तो हमने 3.5 इंच पर मार्क किया है, और यहाँ पर हमने 1.5 इंच पर तिरछी लाइन ड्रॉ की है। अब हमें गोलाई करनी है। ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग के लिए जो मार्क हमने सेंटर पे किया है, 1/2 इंच की दूरी पर दूसरा मार्क करेंगे। 1/2 इंच की दूरी पर हमें यहाँ पे मार्क करना है और गोलाई करनी है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। इसके बाद अब हम आपको गले की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। पन साइड की तरफ हमें इंची टेप को रखना है, और गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच ले रहे हैं। यहाँ पे हमने 2.5 इंच में मार्क किया है। गले की लेंथ हम 7 इंच ले रहे हैं। 7 इंच तक हमें लाइन ड्रॉ करनी है और ऐसे बॉक्स बनाना है, और 1/2 इंच पर हमें गोलाई करनी है। यदि गले की चौड़ाई अधिक हो तो आप 1 इंच पर गोलाई करें, और गले की चौड़ाई कम है तो आप 1/2 इंच पर गले की गोलाई करें। एक मार्क हम आर्म होल्स की तरफ करेंगे 1/2 इंच, और गले की तरफ हम इसे ऐसे तिरछा करेंगे। गले से आर्म होल्स की तरफ शोल्डर हम 1/2 इंच डाउन रखते हैं। अब हम आपको चुन्नटों की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे, जिससे कुर्ती की जो लुक है पंजाबी कुर्ती जैसी होती है। जो लाइन हमने कमर मेजरमेंट के लिए ड्रॉ की थी, बन साइड की तरफ से हम एक मार्क करेंगे इसी लाइन पर 3.5 इंच पर, चुन्नटों की ड्राफ्टिंग के लिए। बड़े साइज़ की कुर्ती में आप ये मार्क 3.5 इंच पर ही करें, और इस लाइन से हम गले की तरफ मार्क करेंगे 5 इंच पर। ध्यान रखें, इस लाइन से 5 इंच की दूरी पर हमें दूसरा मार्क करना है, और सेम ऐसे ही इस लाइन से 5 इंच दूरी पर हम दूसरी तरफ मार्क करेंगे। चौड़ाई 3.5 इंच ही होनी चाहिए, और यहाँ पे हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ की है 3.5 इंच की दूरी पर, और इस लाइन से दोनों तरफ 1/2 इंच की दूरी पर हमने मार्क किया है, और इस तरह से हम ये मार्क मिलाएंगे। दोनों तरफ हमें इस मार्क को वी शेप में करना है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमने ये चुन्नट की ड्राफ्टिंग की है। सेम ऐसे ही आप दोनों तरफ ये ड्राफ्टिंग कर लें। और अब हम कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम बैक आर्म होल्स की कटिंग करेंगे। पहले हमने इसे शोल्डर की तरफ से कट किया, फिर बैक आर्म होल्स की तरफ से, अब हमने इसे साइड से भी कट किया है। और इसके बाद अब हम एक पीस को अलग करेंगे, जो हमारा बैक पीस रहेगा। बैक पीस को अलग करने से पहले हम ये चुन्नट की ड्राफ्टिंग करेंगे। दोनों पीसों में हमें सेम ड्राफ्टिंग करनी है। और इसके बाद आप एक पीस को अलग करें, बैक पीस को, और फ्रंट पीस को फोल्ड करना है। पहले हम इधर की तरफ भी ये चुन्नट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, ताकि दूसरी तरफ भी ये मार्क आ सके चुन्नट की ड्राफ्टिंग का। और इसके बाद आप फ्रंट गले की कटिंग करें, और फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग कर लें। तो इस तरह हमने फ्रंट पीस की कटिंग कर ली है। हम आपको एक बार रख के दिखा रहे हैं इस तरह से, और दूसरी चुन्नट को हम ऐसे डार्क करेंगे, ऐसे। तो ये हमारा फ्रंट पीस है। अब हम आपको बैक गले की कटिंग करना बताएंगे। फ्रंट पीस को हमें अलग रखना है, और बैक पीस को हम ऐसे फोल्ड करके रखेंगे। चौड़ाई हमने बराबर रखी है, और लेंथ हम 9 इंच ले रहे हैं बैक गले की। और 9 इंच पे मार्क करने के बाद
हमें बॉक्स बनाना है। ध्यान रखें चौड़ाई हम 2.5 इंच ही ले रहे हैं इस गले की भी, और ऐसे हमें बॉक्स बनाना है। और बॉक्स बनाने के बाद हम गोलाई करेंगे। गोलाई आप किसी भी शेप में कर सकती हैं, तो यहाँ पे हम मटका शेप में गले की गोलाई करेंगे इस तरह से, देख लीजिए आप। और अब आप इसकी कटिंग कर लें गले की। तो यहाँ पे हमने बैक गले की कटिंग भी कर ली है, और अब हम आपको इसे रख के भी दिखाएंगे बैक गले को। इस तरह से हमने जो ये कुर्ती है इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है। इसको हम सिलना नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और बाजू की कटिंग करना भी। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।